बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। आई एम योर साइंस टीचर मिस सईदा। आज मैं आपको आपका फ़र्स्ट असाइनमेंट एक्सप्लेन करूँगी, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर साइंस की बुक के फर्स्ट चैप्टर द ह्यूमन बॉडी से लिया गया है। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, जिसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 2 पर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर है आपका द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, द ह्यूमन बॉडी यानी जो इंसानी जिस्म है उसे अगर हम देखें तो वो जो है किन चीज़ों में शामिल होता है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक लिविंग थिंग और दूसरे नॉन लिविंग थिंग। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो किस ग्रुप में आती है? लिविंग थिंग के अंदर जो है वो आती है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जो है ह्यूमन बॉडी की जो सबसे फर्स्ट बिल्ड होती है, यानी फर्स्ट चीज़ जो उसके अंदर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और सेल जो है वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन्स और ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर सिस्टम बनाते हैं। अच्छा, अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो जस्ट लाइक अ मशीन है। आप लोगों ने बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी, जिस तरह मशीन के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कंबाइन होकर उस मशीन को रन करते हैं, उसे जो है उस वर्क करते हैं, उसी तरीक़े से जो है ह्यूमन बॉडी भी डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन होकर वर्क करते हैं तो ह्यूमन बॉडी भी जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, अपने डिफरेंट वर्क जो है वो करती है। जिस तरीक़े से एक मशीन को रन करने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो उसे हम पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में देते हैं, उसी तरीक़े से ह्यूमन बॉडी को भी रन करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि हम फूड की फॉर्म में जो है उसे हम देते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया द ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब आप आ जाइए कि जो है हमने जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया है वो किससे रिलेटेड है? आपके ऑब्जेक्टिव वर्क से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद जो है हम अब उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये देखिएगा कि आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो ऑब्जेक्टिव वर्क से लिया गया है और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में आप देखिए नंबर 1 पर है देयर आर डैश, नंबर 1 पर है देयर आर डैश बोन्स इन आवर बॉडी, और डैश में आपको क्या लिखना है? 206 बोन्स। फिर नंबर 2 पे देखिएगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स। फिर नंबर 2 पे देखिएगा द जूस प्रेजेंट इन आवर माउथ इज सलाइवा। हमारी माउथ के अंदर जो जूस होता है उसे क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। फिर नंबर 3 है द डैश गेट्स रेड ऑफ स्वेट। डैश में क्या आएगा? स्किन आएगा, यानी पसीना जो है वो किसके ज़रिए? स्किन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर जाता है। फिर नंबर 4 है द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। डैश में क्या आएगा? टेस्ट आएगा। हमारी टंग जो होती है वो चीज़ों को टेस्ट करने में यूज़ होती है। उसके बाद नंबर 5 पर है द डैश मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम कौन बनाते हैं? मसल्स जो है वो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, राइट? तो ये आपकी एक्सरसाइज ए होगी। अब आप एक्सरसाइज बी पर आ जाइए, और एक्सरसाइज बी जो है वो है आपकी राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 यानी जो आपको इसमें सही सेंटेंस है जो ट्रू है उन्हें आपको ट्रू क्लिक करना है, और जो आपके फॉल्स सेंटेंसेस है उन्हें आपको फॉल्स करना है। नंबर 1 देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? 600 हैं। तो ये बात क्या है? ट्रू है। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। तो हम इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। फिर नंबर 2 मस्कुलर सिस्टम हेल्प अस टू मूव। मस्कुलर सिस्टम किस में यूज़ होता है? हमें मूवमेंट में कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? मस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है, तो ये भी ट्रू है। फिर नंबर 3 द लंग गेट्स रेड्स ऑफ वेस्ट एयर।
लंग्स जो है वो क्या, उसका फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से वेस्ट एयर को बाहर भेजता है। फिर नंबर 5 है आपका, नंबर 4 है आपका, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड सिस्टम। डिफरेंट बॉडी पार्ट आर कॉल्ड सिस्टम, इट इज़ वॉल्स। वाई? बिकॉज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन, नॉट सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 5 है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बनता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? हार्ट और ब्लड वेसल से बनता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम के जो है वो ऑर्गन्स हैं। ठीक है, थर्ड आपकी एक्सरसाइज है आपकी, मैच ईच बॉडी पार्ट टू द करेक्ट सिस्टम। तो इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गन्स दिए हुए हैं और उनको आपको सिस्टम से मैच करना है। सबसे पहले है मसल्स। मसल्स किसके ऑर्गन हैं? मस्कुलर सिस्टम के। मसल्स को आप किससे मैच करेंगे? मस्कुलर सिस्टम से। उसके बाद है आपके पास बोन्स। बोन्स को आप किससे मैच करेंगे? स्केलेटल सिस्टम से। फिर उसके पास है आपके पास आर्टरीज। आर्टरीज को आप किससे मैच करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। फिर उसके बाद है हमारे पास नर्व। नर्व को हम मैच करेंगे नर्वस सिस्टम से। फिर स्टमक है। स्टमक को हम मैच करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो इस तरीके से जो है ये ऑर्गन्स जो है डिफरेंट सिस्टम के हम मैच करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को काफ़ी जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी। यकीनन आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखिएगा, अच्छी तरह इसको समझिएगा। अब फिर उसके बाद जो है आप इस असाइनमेंट को अपनी कॉपी में जो है साइंस कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। और फिर जो है आप मुझे जो है इस असाइनमेंट को चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।